हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी रेसिपी है लौकी के कोफ्ते, मतलब घिया कोफ्ते। तो आइए हम देखते हैं कि लौकी कोफ्ते कैसे बनते हैं। तो हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते, जिसके लिए हमें आधी लौकी घिसी हुई चाहिए। मतलब मैं तो सिर्फ दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो दो लोगों के हिसाब से लौकी कोफ्ते बना रहे हैं। बेसन, दही, थोड़े से खड़े मसाले, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये थोड़े मसाले हैं लाल मिर्च, हल्दी, नमक, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला और प्याज टमाटर का पेस्ट। तो हम सबसे पहले पैन, हम कढ़ाई जो हमारी गरम हो गई है, हम इसमें तेल डालेंगे। हमें कोफ्ते बनाने हैं पहले। जब तक कि हमारा तेल थोड़ा और गर्म हो रहा है, हम ये घिसी हुई लौकी है, इसमें हम बेसन डाल देते हैं। आधी कटोरी बेसन, हाफ टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। इसको हम पानी डाल के ये हमारा बैटर तैयार हो गया है इसका, कोफ्ते का। तो अब हम इसे ऐसे, बहुत लोग हाथ से भी करते हैं, मैं ऐसे चम्मच से कर रही हूँ। इसको ऐसे गोल गोल करके, तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं। और इसे हमें फ्राई करना है। तो ये अब थोड़ा रेड हो गया है, अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसे निकालेंगे। एकदम ब्राउन कलर का हो जाएगा जब, थोड़ा डार्क ब्राउन, फिर हम इसे निकालेंगे। ये ऑलमोस्ट हो ही रहा है। तो ये हमारे कोफ्ते जो हैं, पकोड़े, वो तैयार हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं और हमने इसे निकाल लिए। और अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए ये मेरा कढ़ाई में बचा हुआ ऑयल है, मैं इसी में बनाऊंगी, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ले रही। तो ये तो गरम है ही, इसमें मैं एक चम्मच जीरा डाल देती हूँ। दो खड़ी लाल मिर्च, एक दालचीनी स्टिक, एक बड़ी इलायची, दो तीन लौंग, और अब मैं इसमें एक तेज पत्ता, आधा तेज पत्ता डाल देती हूँ। ये हल्का सा रेड हो जाए, क्रैकल होने शुरू हो जाए, उसके बाद मैंने ये प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया है प्यूरी टाइप। मैं इसमें ये जीरा हमारा लाल हो गया, इसमें मैं ये डालूंगी। अब हम, ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा, इसलिए सर
मैं थोड़ा सा 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, जो प्याज टमाटर के साथ ही भुन जाएगा। तो हमारा अब प्याज टमाटर थोड़ा भुन गया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो अब हम 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच वेजिटेबल मसाला सब्जी मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और अब पिंच ऑफ काली मिर्च। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा पानी डाल। जब तक कि इसमें से ऑयल ऊपर ना जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, पूरा पैन इसने छोड़ दिया देखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, और फ्लेम बिल्कुल सिम पे करेंगे। और फ्लेम सिम पे करके हम इसमें आधी कटोरी दही डाल देंगे। हम इसको दही में मिला के बना रहे हैं ये कोफ्ता। फ्लेम हम इसलिए सिम करके दही डालते हैं, अगर तेज फ्लेम पे एकदम से दही डालो तो दही फट जाती है, तो हम सिम करके इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये मिक्स ना हो जाए मसाला। तो ये हमारा मसाला जो ग्रेवी का मसाला है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया। देखिए ऑयल आ गया है इसमें, ऊपर से दही भी अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको हम 4 to 5 मिनट्स पकाएंगे इसे, उसके बाद फिर हम इसमें अपने पकौड़े डाल देंगे, लिड लगा के ही पकाएंगे 5 मिनट्स के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं और हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी है। तो ग्रेवी को थोड़ा पतला ही रखिएगा क्योंकि जब हम इसमें ये पकौड़े डालते हैं ना तो पकौड़े थोड़े ग्रेवी सोक करती है, तो ये ऑलरेडी थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बनी है, अभी हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देते हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे और बंद कर देंगे। तो ये हो गया 2 मिनट, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी है। गैस हम ऑफ कर देते हैं, इसको हम उतार लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट घिया कोफ्ते, बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक
शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।